हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवासी अनाराम आत्महत्या प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर देवासी समाज एवं मृतक के परिजनों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। पिछले 72 घंटे से शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। रविवार को देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा और SDM भागीरथ राम चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन दिया, जिसमें सुसाइड नोट में दर्शकों दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करवाने की मांग करते हुए शिवगंज में रैली निकालने की अनुमति मांगी। अनाराम देवासी के शव का पोस्टमार्टम करवाने के आग्रह पर समाज के लोगों ने प्रशासन को कहा कि पोस्टमार्टम की सहमति देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया जाएगा। देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल सदस्य प्रेमाराम देवासी ने कहा कि अनाराम के सुसाइड नोट में दर्शाए दोनों आरोपियों को 4 दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे संपूर्ण समाज में आक्रोश है। देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार शाम करीब 4 बजे SDM भागीरथ राम चौधरी को शिवगंज बाजार में सोमवार को रैली निकालने की अनुमति मांगी, जिस पर SDM चौधरी ने मंडल सदस्यों को बताया कि रैली के प्रार्थना पत्र को DSP सिरोही को भेजा जाएगा। उधर समाज के लोगों का कहना है कि रैली के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है, अगर प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो भी रैली निकाली जाएगी। उधर धरना स्थल पर समाज के लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है एवं कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त जब्ता मंगवाया है। पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी भी धरने में हुए शामिल। पुलिस थाने के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में रविवार को पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और भोपाजी लाखाराम देवासी भी पहुंचे। छोगाराम देवासी, प्रेमाराम देवासी, रूपाराम देवासी, ललित देवासी, लाबूराम देवासी, मांगीलाल देवासी, मोटाराम देवासी, कमल किशोर, सवाराम, हार्दिक देवासी, झालाराम देवासी ने धरनार्थियों को संबोधित किया एवं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया। शाम करीब 4:30 बजे धरना स्थल पर आक्रोशित हुए समाज के लोग अपने आसन से उठकर पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, पुलिस पर जताई नाराजगी। देवासी समाज की ओर से SDM चौधरी के माध्यम से CM अशोक गहलोत को भेजे ज्ञापन में शिवगंज पुलिस पर नाराजगी जताई है। ज्ञापन में लिखा है कि 17 नवंबर की रात्रि को अनाराम देवासी ने आत्महत्या की, जिसमें उनका सुसाइड नोट मिला है, उसमें शिवगंज के जनक सोनी व कलापुरा के नारायण देवासी के नाम है एवं इन दोनों आरोपियों को आत्महत्या की जिम्मेदारी बताने के उपरांत भी शिवगंज पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।